ये वीडियो आप कभी भी देखो पर आपको हमेशा एक काम आने वाली है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख पा रहा होगा मेरा अभी लॉस चल रहा है ना, खतरनाक लगता है लॉस। पर ये मैंने सुबह सुबह बनाया था लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हम एटीएम का एक स्ट्राइक पैल लेते हैं और हम उसको ही बाय सेल कर देते हैं। तो मैंने 38600 का स्ट्राइक पैल लिया था और सी और पी बाय कर लिया था, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था। मेरे को लगा था यार मार्केट बहुत नीचे ही आएगा, पर सडनली उसने मूव दिखा दिया ऊपर की साइड, फिर मैंने वहाँ पे पी हटा दिया। अब मैं एक नेक्स्ट बाय करके बैठा हुआ हूँ सी। एक ही ऑर्डर है, इसको पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये मैंने अपने आप लगा लिया था, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, जिसके ऊपर ये वीडियो है। ओके, अभी जो ये मेरा सी है एक लॉट, ये अभी 793 के आसपास चल रहा है और मैंने ये बाय किया था 578 के आसपास। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। पहले तो SLM का चक्कर था, अब SLM काम नहीं करता है। अब मैं इसको चाहूँ तो अभी भी एग्जिट कर सकता हूँ मार्केट या लिमिट प्राइस पर मैं इस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो भी लिमिट वाला, SLM नहीं, SL लगाऊंगा लिमिट वाला। SLM करोगे तो शायद फिक्स ट्रेड हो जाता, आप नुकसान में पड़ जाओगे। तो मैं इसमें अब लगाता हूँ SL लिमिट वाला। तो अभी 750 पे आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है बात करते करते आपसे। हो सकता है कि मेरा 5-6 हज़ार का लॉस हो जाए आपके आपसे बात करते करते, पर फिर भी अरे मैं सोचा था कि 740 का लगाऊंगा, पर 740 से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ये 740 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि जो LTP जो ट्रेड प्राइस चल रहा है अभी, उसके हम नीचे लगाएं। अब मैं 740 सोच रहा था, उस समय 750 पे था अभी। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको 650 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 650 मैंने कर दिया है, अब मैं इसको कर दूँगा स्वाइप टू सेल। ये ज़ेरोधा में हो रहा था अब काम, ठीक है। तो मैं इसको स्वाइप टू सेल कर देता हूँ और ये लग चुका है पेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख पा रहे होंगे मेरा 2600 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है और 735 पे ये चल रहा है, मतलब कि ये इसका प्राइस चल रहा है 735 LTP। अब आप मैं इसको ऑर्डर्स पे जाके ओपन ऑर्डर, तो 650 पे पेंडिंग है। ओके, 650 पे जाएगा नीचे तो ये मतलब कि ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब ये अगर 800 के पास जाता है ना, तब मैं इसको ट्रेल करूँगा भाई साहब, ठीक है। ये सिस्टम होता है, जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है तो आप उससे 50-50 कम का या फिर 20-20 कम का अपने अनुसार वहाँ पे स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहते हैं। अभी मैंने 650 का लगाया है, जैसे ही ये 800 पे जाएगा तो मैं इसको ऊपर लगा दूंगा, मतलब कि 650 से 700 कर सकता हूँ, वो तो मैं अकॉर्डिंग मैंने मूड की बात है, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए, अब ये 740 पे चल रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो 793 पे भी था। अब मैं 740 पे लगाता तो शायद ये हाथ क्या ट्रिगर कर जाता, क्योंकि अभी 720 पे भी आ गया था ये, है ना। तो अभी ये 736 पे चल रहा है, देखते हैं। अभी 2480 रुपये का लॉस चल रहा है, 2500 लाइव ट्रेडिंग चल रही है, थोड़ी सी टेंशन तो रहती है। खैर, मैं एक लॉट पे काम कर रहा हूँ और मैंने ज़ेरोधा वाले अकाउंट में केवल 30K का ही अकाउंट है, ज़्यादा बड़ा रखता नहीं ज़ेरोधा के अंदर में, वरना फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। देखो 754 पे आ गया, अब मैं इसको 700 पे कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा लॉस कम हो। अगर मैं 650 पे रखूंगा और ये नीचे आ जाता है तो भाई मेरा 50 अंक का और लॉस होगा। अब मैंने इसको 700 रुपये कर दिया है, ठीक है ना, तो मेरा 50 अंक का लॉस कम हो गया ऐसे करके। अब ये 765, इसका LTP चेक करते रहिए आप बस, 756 759 ये चल रहा है अभी। अब ये 800 पे आएगा तो मैं शायद इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मतलब कि 700 पे जो मैंने कर रखा है उसमें बढ़ा दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा लॉस कम होता चला जाएगा यार अभी, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रिकवरी हो रही है। तो अभी ये खुद का एनालिस्ट काम करना है, ऐसा नहीं मत करना कि आप खुद करने बैठ जाओ उसको, कि हाँ चलो केशव भाई ने कहा था ऐसे करने बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा एनालिस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं इसलिए ट्रेल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो बुक कर लेता अब तक तो उसको। अब ये चल रहा है फिलहाल, अब 700 का मेरा स्टॉप लॉस है, 700 से ऊपर का मेरा लॉस नहीं होने का, मतलब कि 700 से नीचे अगर जाता है तो मैं लॉस नहीं होने का, करेक्ट। अब 760 थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं। देखो लाइव ट्रेडिंग का मज़ा कितना आता है, जब ऐसे आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप रिकॉर्डिंग का तो छोड़ो, आप कुछ सोच भी नहीं सकते, पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। देखो 780 पे आ गया, तो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया ऊपर से। अब ये चल रहा है 784, ये 800 पे जाए तो मैं कुछ सोचो आगे के बारे में। अभी ये आप देख पा रहे होंगे मेरा पी सर कितना लॉस हुआ है, पी में मेरा 6500 का लॉस हुआ है, और देखो ये सी में मेरा 806 पहुँच चुका है। अब यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं इसको बढ़ा दूँ, तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि हम लगा तो चुके हैं ना पहले, अब इसको मॉडिफाई ही करेंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ 750, बात ख़त्म। दो बार प्राइस भरना पड़ता है लिमिट में,
तो क्या कहते हैं, दो बार प्राइस भरना पड़ता है। अभी मैं वेट इसका कर रहा हूँ कि ये 850 पे चला जाए ना, क्योंकि बड़ा अच्छा बाउंस बैक आया ऊपर से, मतलब कि सॉरी ऊपर से नीचे से रिकवरी और बड़ी अच्छी आई है। हाँ, अब मैंने इसको कर दिया है 770, ये 820 पे फिर से आ गया। इसलिए अब मेरा पहले जो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था 650 का, अब वो 770 पे आ गया है। 800 हो सकता है कि ये 770 पे आ गया मेरा ट्रिगर कर दे, लॉस तो होगा पर कम होगा। अभी 824 827, देखो काफ़ी मज़ा आता है ऐसे करने में, पर वही है कि आपको कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ एक तरफ मार्केट जाने वाली, तब आप ट्रेड कर भी सकते हो, वरना तो ये 20-30 अंक लो या बुक कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने सुबह सुबह लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था यार, तो उसमें मेरा पी में लॉस हो गया। अब मैंने सी रोक के रखा हुआ है, तो मेरी हिम्मत की बात है कि मैंने रोक के रखा हुआ है, नेक्स्ट बाय करने भी नहीं चाहिए, बहुत कन्फर्मेशन के बाद करनी चाहिए। अब देखो मेरा 850 में मैं अगर बुक कर लूँगा तो भाई साहब मेरा लॉस तो नहीं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भले कर जाऊँगा, एक तरह से मैं बच जाऊँगा, मैं लॉस होने से बच जाएगा। पर यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी और ऊपर जानी चाहिए मार्केट, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो जो मैंने 770 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है, मतलब स्टॉप लॉस लगा रखा है, अब मैं उसको बढ़ाऊँगा जब ये 900 पे जाएगा। हाँ देखो 900 पे पहुँच भी गया लगभग, ये जो मेरा एनालिसिस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो इसको चेंज कर ही देते हैं, अब इसको करते हैं मॉडिफाई। ये सब मैं ऑर्डर पे जाके पेंडिंग ऑर्डर पे खोलता हूँ, ठीक है, ज़ेरोधा वालों के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात। अब मैं इसको कर देता हूँ 850, जो मैंने 770 कर रखा था, अब मैं इसको 850 कर देता हूँ। मेरा LTP चल रहा है 927 937, और प्रॉफिट देखिए अब जो मेरा लॉस चल रहा था 2500 3000 रुपये का, अब वो उतने में कन्वर्ट हो चुका है प्रॉफिट में। और ये मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अब 850 का कर दिया है, 927 पे चल रहा है, जब ये 1000 के आसपास जाएगा तो इसको कर ही देते हैं यार, चेंज कर ही देते हैं इसको, इसको 900 कर देते हैं, पर थोड़ा सा ये ऊपर जाए तब करूँगा। अभी 909 पे चल रहा है LTP इसका। हाँ अब परफेक्ट है, अब मैं इसको कर देता हूँ। अभी 946 पे चल रहा है और मैंने 900 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो अब मेरा अगर 900 पे रिवर्स करके वापस भी जाता है ना, तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, चाहे मैं 200-300 के प्रॉफिट में रहूँ, मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। अब ये 991 में पहुँच चुका है, 1000 के पार कर चुका है, वाओ। अब मैं इसको 950 कर लूँगा, ये मैंने कर दिया है 950। स्टॉप लॉस लिमिट में आपको दो बार प्राइस भरना पड़ता है, यही एक अच्छी बात होती है, तो इसमें अगर फिक्स ट्रेड भी होती है तो आप बच सकते हैं आराम से। अब ये 960 से 971 पे आ गया है, अगर ये हिट कर जाएगा तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, लॉस में तो जाने से रहा हूँ। अगर ये 1050 पे जाएगा तब मैं इसको 1000 कर दूँगा स्टॉप लॉस को। ये होता है सिस्टम, आप आई थिंक आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और मैंने इतने एफर्ट्स के साथ इतना रिस्क लेकर आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें जिनको दिक्कत पड़ती है। मेरा चैनल इन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई बात समझ में नहीं आ पाती है, या फिर कोई और नहीं समझा पाता है। आजकल यूट्यूब पर भरे पड़े हैं लोग बस, पर वो सही से समझा नहीं पाते हैं। तो मैंने यही प्रयास किया है कि मैं अच्छी लैंग्वेज में, सटीक भाषा में, अगर छठी क्लास का बच्चा भी देख रहा होगा ना तो वो कहेगा कि भाई सर क्या बताया आपने, वाह। तो बस अब आप देखते रहिए 950 से 964 950 का मैंने लगा रखा है। आई थिंक अब की बार ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि इतना ऊपर लगातार मार्केट जाना इम्पॉसिबल ही होता है ना। आप देख रहे होंगे ना कि मैं 650 से अब तक 1000 तक आ गया। ऑप्शंस के अंदर 350 पॉइंट्स की बढ़त एक साथ आना बहुत मुश्किल होता है, रियली दिन होता है ऐसा कोई, क्योंकि 100 अंक ऊपर जाता है 50 अंक नीचे जाता है, तो ऐसा होता है ऑप्शंस के अंदर। तो और आपके सामने सामने ये 350 अंक ऊपर चला गया तो बहुत रियली केस होता है। अब ये आई थिंक 950 के नीचे ही आएगा, मैं चाहता तो उसको अभी बुक कर सकता हूँ 980 982 पे कभी, पर जो मैंने अब सोच रखा है वही कर लेते हैं यार। अब देखो ये 941 पे आ गया है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 950 पे स्क्वायर ऑफ हो गया होगा। मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ, देखो एग्जीक्यूट हो गया, नो पेंडिंग ऑर्डर्स, और ये सेल 950 पे कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने बुक कर लिया है 2700 का प्रॉफिट। ऐसे करके आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं और अपने लॉस, मतलब कि अपने एक ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। पर अगर आप अभी नए नए हैं तो आप ये इन सब चक्कर मत पड़े, अपना टारगेट सोचिए और वही बुक करें, वरना तो ऐसे तो आप फंस सकते हैं। बस यही विनती है मेरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जो कि नए लोग हैं, ताकि उनको अच्छे से जानकारी मिल पाए, क्योंकि आई थिंक कोई नहीं होगा जो मेरे जैसे जानकारी देता होगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।